recombination of spectrum colors to give white light. Recombination of spectrum colors to give white light. Recombination of spectrum colors to give white light. तो अगर मान लीजिए हम कलर्स को रिकम्बाइन करवाते हैं तो वापस से मेरे को व्हाइट लाइट मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से, इधर एक प्लस वन, और इस प्रिज्म के आगे मैंने एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, इन्वर्टेड प्रिज्म। प्रिज्म के आगे एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया हमने। तो अब देखिएगा यहां से मैं एक बीम डालूंगा व्हाइट लाइट की, व्हाइट लाइट की मैंने एक बीम डाली। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये रेयरर मीडियम है और लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी, रेयरर से डेंसर के अंदर एंटर करेगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल जो है वो इस तरीके से बनेगी। मैं बनाकर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर नॉर्मल इस तरीके से, तो ये हल्का सा टिल्ट हो जाएगी, मतलब जाती तो ऐसे सीधा लेकिन हल्का सा इधर बेंड कर जाएगी। और व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि सात अलग अलग रंगों में डिवाइड होती है, तो आठ अलग अलग रेज बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट। तो ये एट अलग अलग रेज बन गई। फिर हम क्या करेंगे कि जब ये रेज वापस इसमें जाएंगी तो ये यहाँ पर एयर में आकर ये सात अलग अलग रंगों की बैंड बना देंगी, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। थोड़ा सा मैंने प्रिज्म को इधर लंबा कर दिया, उधर दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास अलग अलग रंग मिल गए हैं। उसके बाद क्या होता है, ये तो अलग अलग डिवाइड हुए थे, यहां से ये ज्वाइन करना शुरू कर देगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और जब ये ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करने के बाद ये सिंगल बीम ऑफ व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां दिखा देंगे ऐसे कि ये इंसिडेंट लाइट इस तरीके से जा रही है, ये व्हाइट लाइट, और अगेन ये व्हाइट लाइट। यहां हम बोल देंगे कि ये क्या हुआ, दिस इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब लाइट जो है वो डिस्पर्स हो गई, फैल गई। ठीक है, और जो ये वाला है दिस इज रिकॉम्बिनेशन, ये रिकम्बाइन हुई है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन।
डिस्पर्शन और रिकॉम्बिनेशन। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप देख लीजिए। पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ मैं, जो भी इस चैप्टर में लिखवा रहा हूँ ना बेटा, इसके मैंने सेपरेटली नोट्स भी बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसके नोट्स बनाए जाए। तो जो भी है मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ वो आप साथ साथ नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे द सेवन कलर लाइट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम The seven colored lights of the spectrum. The seven colored lights of the spectrum can be recombined. The seven colored lights of the spectrum can be recombined to give back white light. Recombined to give back white light. Give back white light. ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये वाला जो प्रिज्म है इनकी नेमिंग कर दीजिए, इसको बोल दीजिए पी क्यू आर, और जो दूसरे वाला प्रिज्म है उसको बोल दीजिए पी डैश क्यू डैश और आर डैश। पी डैश क्यू डैश और आर डैश लिखेंगे। The first glass prism, the first glass prism PQR disperses, PQR disperses, यानी कि splits, writing में लिख लीजिएगा splits, disperses or splits the white light into seven colored rays. The white light into seven colored rays. Seven colored rays. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन में जो आपको लिखा था ना, चार पांच पॉइंट्स है, ये लिख लेना यार। The first glass prism PQR disperses or splits the white light into seven colored rays. दिखाई दे रहा है कि जो पहला प्रिज्म है वो व्हाइट लाइट को सात अलग अलग रंगों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द सेकेंड क्लास प्रिज्म पी डैश टू डैश आर डैश द सेकेंड क्लास प्रिज्म The second glass prism P dash Q dash R dash receives all the seven colored rays, receives all the seven colored rays, receives all the seven colored rays from the first prism, from the first prism and recombines them by the
recombines them into original white beam of light, into original white beam of light, into original white beam of light. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखें, ये ऐसा रिकॉम्बिनेशन होता क्यों है? द रिकॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स the recombination of seven colors produced by first prism is due to the fact that the second prism has been placed in reverse position, that the second prism has been placed in reverse position, has been placed in reverse position. Due to which the refraction, ये last line जो है ना ये important है, इसको मैं underline कर रहा हूँ. Due to the fact that the second prism has been placed in reverse position, due to which the refraction produced by second prism, is equal and opposite to that produced by first prism, due to which the refraction produced by second prism is equal and opposite to that produced by first prism. इस पॉइंट पॉइंट पर स्टार मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट जो है. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में याद रखिएगा, ये तो अभी कोरोना पेंडेमिक का टाइम चल रहा है जब आपके सिलेबस में काफी रिडक्शन करा गया है. उससे पहले भी बता रहा हूँ मैं आपको कि जब साइंस का प्रैक्टिकल हुआ करता था तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसा क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, वापस व्हाइट लाइट बन जाती है. तो आप सीधे सीधे ये बोलेंगे कि पहले मैंने प्रिज्म को सीधा सीधा रखा तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो व्हाइट लाइट को सात अलग अलग रंगों में डिवाइड कर देता है. दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से सात कलर्स में डिवाइड कर देता है. उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने उसी ग्लास प्रिज्म को उलट दिया, मैंने उसी को रिवर्स पोजीशन में रख दिया. तो रिवर्स पोजीशन में रखने का मतलब क्या है कि अब जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा तो बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो क्या हो गया कि आपने इसको सात अलग अलग रंग प्रोवाइड करे और आपने प्रिज्म को पलट दिया. तो जब आपने प्रिज्म को पलट दिया तो वही चीज है, सेकंड प्रिज्म हैज बीन प्लेस्ड इन रिवर्स पोजीशन,
ड्यू टू विच, उल्टा रखने की वजह से, ड्यू टू विच द रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाई सेकंड प्रिज्म इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट प्रोड्यूस बाई फर्स्ट प्रिज्म. आपने उसको उल्टा कर दिया तो वो पहले प्रिज्म, पहला प्रिज्म जो रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा था उसका जस्ट इक्वल और अपोजिट रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो सात रंगों को उलट कर वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा. सभी को क्लियर है? जी सर. यस सर. तो ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि ये वापस उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है, लेकिन बस ये लास्ट की जो दो लाइन है ये इस पूरे का समरी है, पूरे का इंपॉर्टेंट है. और एक मिनट की, और जब ये प्रिज्म और ये प्रिज्म दो अलग अलग हमने रखे तो बीच में जो गैप है, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या हम इस बीच के गैप में ये अलग अलग सात रंग देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं. क्योंकि आप ये देखिएगा कि अगर ये वाला प्रिज्म नहीं होता, अगर ये वाला प्रिज्म नहीं होता, यानी कि जो मैंने कल बताया था डिस्पर्शन, तो उसमें यही तो था, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, यहाँ से डिस्पर्स हुई, डिस्पर्स होती है सात अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गई, फिर हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी थी, तो उस स्क्रीन में मुझे सात अलग अलग रंगों के बैंड दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना. तो अब मैंने क्या करा, वो स्क्रीन ना लगा के मैंने उल्टा प्रिज्म लगा दिया. उल्टा प्रिज्म लगा कर क्या हुआ कि ये रंग वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है. बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? Yes, sir. अनुभव, आस्था, yes, आत्विक. Yes, sir. चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, द रेनबो. The rainbow is an arc of seven colors. मैं एक काम कर रहा हूँ, इधर वाला ना ये मिटा रहा हूँ, ये प्रिज्म वाला मिटा रहा हूँ. The rainbow. You can hear the rainbow is an arc of seven colors. It is an arc of seven colors visible in the sky. The rainbow is an arc of seven colors visible in the sky, which is produced by the dispersion. भाई सात अलग अलग रंग है तो इसका मतलब कहां से आए हैं, कहीं ना कहीं व्हाइट लाइट का ही डिस्पर्शन हुआ होगा, जैसे प्रिज्म में हुआ था. The rainbow is an arc of seven colors visible in the sky, which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops. In the atmosphere.
अब इस प्रोसेस को देखेंगे। The raindrops in the atmosphere act like many small prisms. The raindrops in the atmosphere act like many small prisms. ठीक है, अभी दिमाग में ये सवाल आता होगा कि raindrop जो है, raindrop का मतलब क्या हो गया? जो बारिश की बूंदे हैं, वो बारिश की बूंदे प्रिज्म की तरह कैसे act कर सकती हैं? ये ऐसे ही क्या बताने वाली बात हो गई कि आप प्रिज्म तो ट्रायंगुलर शेप का होता है, वो तो स्फेरिकल शेप की होती है, तो क्या वैसे ही बताया जा रहा है? अभी समझाता हूँ ऐसा क्यों है, उसको मैं अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नोट कर लीजिए आप कि रेनबो बनता कैसे है। ठीक है, अभी बताऊंगा इस चीज को कि वो प्रिज्म की तरह कैसे एक्ट करती है। द रेनड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक मेनी स्मॉल प्रिज्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, एज white sunlight enters and leaves these raindrops, white sunlight enters and leaves these raindrops, as white sunlight enters and leaves these raindrops, the various colored rays, the various colored rays, the various colored rays present in white light are refracted the various colored rays present in white light are refracted by different amounts, refracted by different amounts, refracted by different amounts, due to which an arc of 7 colors due to which an arc of 7 colors, due to which an arc of 7 colors called rainbow is formed in the sky, called rainbow is formed in the sky, is formed in the sky, or process kya hai wo dekhiyega. कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे रेनबो का हो गया, आगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का हो गया, आगे अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनसेट का हो गया, डिलेड सनसेट का हो गया, ठीक है, या अपीयरेंट हाइट ऑफ स्टार्स का हो गया। तो जितने भी ये क्वेश्चंस आए, मैं पहले भी जब ये चैप्टर कराया था तब भी बताया था, इस बार दोबारा बता रहा हूँ कि आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। कोई साफ डायग्राम बने, गंदा डायग्राम बने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। जहां आप डायग्राम बनाते हैं टीचर रुकता है और चेक करता है उस चीज को। ये इतनी लंबी थ्योरी आप मत समझना कि इतनी लंबी थ्योरी पढ़ने में कोई टीचर इंटरेस्टेड होगा, उसमें भी आपको क्या करना होगा, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे उसको अंडरलाइन करना होगा। जैसे मैंने रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, ये अंडरलाइन करा है, और ये मैं लिखकर इस वजह से दिखा रहा हूँ रिविजन कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। आपको पेपर में ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर लिखना है, इनको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। तो कभी भी आप जब सैंपल पेपर अभी इशू होने वाला है सीबीएसई का, कभी भी आप देखेंगे कि कभी भी सैंपल पेपर इशू होता है तो उसके बाद वो गाइडलाइंस होती हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है।
तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो देखिए हमारे पास वो ऑप्शन तो नहीं है जो पहले बच्चों के पास हुआ करता था कि आप ब्लैक पेन ले जा सकते हैं और ब्लू पेन ले जा सकते हैं। तो बच्चे पहले क्या करते थे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे ना, जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुआ करते थे उसको ब्लैक पेन से लिख देते थे या हाईलाइटर यूज करते थे। तो अभी हाईलाइटर ब्लैक पेन मतलब डिफरेंट कलर्स के जो पेन है वो अलाउड नहीं है। उसका रीजन क्या है कि जो आपकी शीट है ना वो शीट स्कैन होती है, तो स्कैनिंग में क्या होता है जो डार्क कलर इंक होती है, डार्क कलर इंक तो एक तरह से स्कैन हो जाती है, लेकिन अगर आप उसमें हाईलाइटर यूज करेंगे तो हाईलाइटर वाला चीज जो है ना वो ऐसी हाईलाइट होती है स्कैनिंग में कि वो दिखाई नहीं देती। उसका रीजन ये है कि जब भी स्क्रूटनी करते हैं बच्चे, स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया बोर्ड का, रिजल्ट आने के बाद में आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रह गए और आप चाहते हैं कि उसकी कॉपी दोबारा से चेक हो जाए, री चेकिंग, उसको स्क्रूटनी बोलते हैं। तो स्क्रूटनी में आपके नंबर कम है या ज्यादा है जो भी है, 100 रुपए की फीस होती है और 100 रुपए की फीस आप पे करते हो सीबीएसई को और सीबीएसई आपकी शीट वो आपके मेल आईडी पर भेज देती है, ठीक है ना। ये पहले नहीं होता था, ये इसी साल से शुरू हुआ है कि आपने पेपर में बोर्ड के पेपर में क्या करा है वो पूरा का पूरी शीट जो है वो आपके पास आ जाएगी। मेरे पास भी कुछ बच्चों की रखी हुई है, जिन बच्चों का मैंने रिजल्ट शेयर किया था ना आपसे, आपसे 4-5 महीने पहले जब रिजल्ट आया था, उन बच्चों की शीट्स मेरे पास रखी हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एकदम दिखाऊंगा। तो उन्होंने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करा है वो जरूर देखना है आपको, क्योंकि आप लोग एक एक बार सारी चीजें कर चुके हैं, स्कूल में भी कर चुके हैं, यहाँ ट्यूशन में भी कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ रिविजन ही तो कर रहे हैं, जो चीज हम कर चुके हैं उसको दोबारा करते हैं, वही एक चीज को दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, चार बार करते हैं, वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि अलग अलग कलर के पेन। तो अब आपको क्या करना है, आपको साफ साफ लिखना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उनको इस तरह से आप अंडरलाइन करो, ठीक है ना, ताकि टीचर को दिखाई दे जाए ना एग्जाम में। बता दूं ये आप प्रैक्टिस शुरुआत करेंगे प्री बोर्ड में, और मैं जो आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था तो वो टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करेंगे इस मंथ के लास्ट से या नेक्स्ट मंथ से कर देंगे शुरू। उस टेस्ट सीरीज में भी मैं दो तरीके के ऑप्शन आपके लिए खोले रखूंगा। अगर आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो ऑनलाइन दीजिए, मतलब एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम आप देना चाहें तो वहां दे दीजिए, नहीं तो जो बच्चे यहाँ आना चाहेंगे वो यहाँ मेरे यहाँ पर आकर देंगे, पूरे 3 घंटे तक मैं इन्विजिलेशन करूंगा, मैं यहाँ पर सर पर खड़ा रहूंगा आपके, ठीक है ना। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपको वहां करनी है, बोर्ड में प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोर्ड में तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाओगे। तो ये जो प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं स्कूल में या जो टेस्ट मैं भी लूंगा आपके, आप समझ लीजिए स्कूल वाले 2 या 3 तो प्री बोर्ड्स के, ठीक है। और हो सके तो मेरा ये सजेशन है, आप लोग शायद फर्स्ट प्री बोर्ड जहां तक मैं समझता हूँ सभी बच्चों के चल रहे होंगे, जो आपका नेक्स्ट प्री बोर्ड होगा ना, तो मेरा ये सजेशन ये है कि पूरे प्रिकॉशन के साथ में आप जाओ स्कूल में और आप ऑफलाइन ही देना उसको, उसको पहले ही बोल देना कि मैं जिस रूम में बैठूंगा या मैं जिस रूम में बैठूंगी वहां पर प्लीज, टीचर्स भी वैसे ध्यान रखेंगे इस चीज का कि वो 8 या 10 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठाएंगे, 50 बच्चों के रूम की कैपेसिटी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो पेपर आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है ना, अब जो तैयारी करनी है, अब वो तैयारी ये करनी है कि मेरे को पास होने की प्रॉब्लम नहीं है, पास में हो जाऊंगा, आता है मुझे सब कुछ, अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीजों को बार बार, अब मैं पॉलिश करना चाहता हूँ ऊपर अपने आप को, अपनी नॉलेज को। तो हम जब ये चैप्टर्स भी कर रहे हैं तो अब हमको इस चीज पर ध्यान देना है कि हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें आंसर किस तरीके से लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं सारी चीज, लेकिन आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं है उसका, नंबर नहीं आ पाएंगे। तो नंबर्स के लिए मैं बार 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 बार, हो सकता है आप लोग जिस एज में आप लोग ये सोचते हो कि टीचर को पता नहीं क्या हो गया, बार बार एक चीज बोल रहा है, बार बार चीज इसलिए बोली जाती है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में वो चीज याद आ जाती है, हाँ सर ने ये चीज बताई थी। तो याद रखिएगा कि मैं भी यही चीज बता रहा हूँ और आपके स्कूल के टीचर भी आपको यही चीज बताते होंगे, इनफैक्ट जो आपके पेरेंट्स हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स खुद लगते हैं साथ में इन्वॉल्व होते हैं एक एक चीज में, बेटा दिखा क्या पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो वो पेरेंट्स जो है जो देख रहे हैं अपने बच्चों को कि उनकी पढ़ाई किस लेवल की चल रही है, कितनी वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी यही सजेस्ट करेंगे कि बेटा साइंस का अगर एग्जाम है या ज्योग्राफी का अगर एग्जाम है तो उसमें आपको डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है ना,
ज्योग्राफिकल रीजन पूछे जाते हैं, मैं जानता नहीं हूँ कि आपकी एसएसटी में क्या क्या है सिलेबस, लेकिन अगर ज्योग्राफिकल रीजन पूछे जाते हैं तो वीट कहाँ पर बनाया जाता है, कहाँ पर पैदा होता है, या शुगर केन कहाँ पैदा होता है, राइस कहाँ पैदा होता है, तो छोटी सी स्टेंसिल मिलती है, मैंने शायद पहले भी डिस्कस करा था, छोटी सी स्टेंसिल मिलती है मार्केट में, आप उस स्टेंसिल समझते हैं ना, स्टेंसिल क्या होती है, स्टेंसिल मैं बता देता हूँ बेटा, ये स्टेंसिल जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो ये एक ना ऐसा स्केल होता है, ऐसा स्केल की तरह प्लास्टिक की एक शीट होती है और उस शीट के अंदर ऐसी एक शेप बनी रहती है, ऐसी एक शेप बनी रहती है बेटा वहां पर, और इसके अंदर आपको पेंसिल घुमानी होती है बस, आप यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में पेंसिल चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे तो इंडिया का मैप बन जाएगा वहां पर, तो आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इंडिया का मैप बन जाएगा और वो ये पूछेंगे कि कोकोनट सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, तो आपको केरल और तमिलनाडु वाला जो ये रीजन है आपको ये शेड कर देना है, आपको वहां पर ये शेड कर देना है, और यहाँ पर अलाउड होते हैं बोर्ड में, बिल्कुल अलाउड होता है, कि स्केल है क्या प्रॉब्लम है, जा सकते हो है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज सिर्फ इस चीज के लिए हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज पेपर भी उठाते हो ना सुबह, तो न्यूज पेपर भी आप कौन सा न्यूज पेपर पढ़ना चाहोगे, जिसमें अगर मान लो किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, किसान आंदोलन की पूरी खबर लिखी हुई है, वो किसान आंदोलन की खबर पढ़ने से पहले आप ये देखोगे कि कितने किसान कौन कौन से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी फोटो, तो जो रिपोर्टर्स भी होते हैं, रिपोर्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कैमरामैन का होता है, जो कि पिक्टोरिकली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास एक बड़ा पेपर आता है, कोई भी एग्जाम पेपर आता है, मान लो मैथ्स का पेपर है, साइंस का पेपर है, तो आप फटाफट से जैसे पेपर आया आपने तीन चार पन्ने उसके जो है वो पलट कर देख लिए, आपका ध्यान कहाँ जाता है, आपका ध्यान वहां जाता है अगर वहां पर कुछ ग्राफ बनाकर दे रखा है, अगर वहां पर कोई पिक्चर बनाकर दे रखी है, तो जो पिक्चर का जो अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जिस बच्चे ने भी अपने एग्जाम पेपर में चीजों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ छोटी 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 पिक्चर जरूर बनाई है उससे रिलेटेड, ये नहीं कि आप वहां पर टॉम एंड जेरी की फोटो बनाकर आ जाओ, ठीक है ना, टॉपिक से रिलेटेड, तो टॉपिक से रिलेटेड जो बच्चा वहां पर पिक्चर पिक्टोरिकली जो रिप्रेजेंट करेगा पिक्चर्स बनाकर, उस बच्चे के मार्क्स पर आप खुद देखना, आधा 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 नंबर भी अगर बढ़ता चला गया ना हर क्वेश्चन का, तो वो बच्चा सभी बच्चों से आगे निकल जाएगा, तो मैं ये चीज रिपीटेडली बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो अबव एवरेज बच्चा है वो टॉपर बन जाता है इन छोटी छोटी ट्रिक्स से, और कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चा है या एवरेज बच्चा है वो इंटेलिजेंट बच्चों के वाले मार्क्स आ जाते हैं उसके, तो इस चीज का बहुत बहुत फर्क पड़ता है, आपने फर्स्ट क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक अपने स्कूल में अगर आप सेम स्कूल में पढ़े हैं, आपका आपके स्कूल के टीचर्स पर बहुत गंदा इंप्रेशन है, वो कहते हैं कि भाई ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बोर्ड वाले नहीं जानते आपको, बोर्ड वालों को तो आपकी कॉपी दिखाई देगी, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने पिक्टोरिकली अच्छे से बनाया है, उसमें आपने कॉन्सेप्ट जो मेन मेन है उनको अंडरलाइन करा है, खुद वो अपने आप समझ जाएंगे बच्चा इंटेलिजेंट, बिल्कुल मिलेंगे, मैं ये कहता हूँ कि आप थ्योरी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको जितने भी इसमें टॉपिक्स बताऊंगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हर एक में ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने ही लिखने हैं और अंडरलाइन करने हैं, तो टीचर फटाफट ऐसे देखता हुआ चला जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज होती है कि आपको पेपर में लिखना किस तरीके से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता सब कुछ है आपको, और बच्चों को सब कुछ आता है, हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो पूरे साल पढ़ते ही नहीं है, वो तो फिर अलग कैटेगरी में आ गए, वो तो मतलब तीन महीने बाद की तैयारी रखते हैं कंपार्टमेंट की, ठीक है ना, तो उनको तो छोड़ दो, तो मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो तैयारी इन्होंने कर रखी है, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है ना, वो थोड़ा बहुत भी फैब्रिकेट कर दें, फैब्रिकेशन जानते हो ना, फैब्रिकेशन जानते हैं ना, किसी की चीज को सजाना, किसी भी चीज को सजाना वो होता है सर, हाँ जी सर, मैं ये चीज इतनी देर से सोच रहा था, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं नहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको एक एक मिनट ही तो लगता है बस एक्स्ट्रा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस पेपर अपने दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप
इस चीज की आदत डालनी है आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है वो अपने स्कूल से आया, अब एक स्टूडेंट है वो अपने स्कूल से आया, वो उसको आदत है वो आते ही अपनी शर्ट उतार के इधर फेंक और ट्राउजर उतार के इधर फेंक और अपना इधर उधर घर में अपना जो लोवर और टी शर्ट पहनकर घूमना शुरू। दूसरा बच्चा जो है उसने एक आदत डाल रखी है और आदत डालने में 4 या 5 दिन लगते हैं बस, आते ही उसको अपनी शर्ट अलग रखनी है, पैंट अलग रखनी है, वो हैंगर में लगाने हैं कपड़े, शूज जो है वो शूज की जगह पर रखने हैं। तो उसको इन कामों में जो कायदे से अपने काम कर रहा है उसको कम टाइम लगता है और जो फैलाकर रखता है उसको टाइम ज्यादा लगता है। आप ये कहेंगे इसमें क्या ज्यादा टाइम है, जूता इधर फेंक, पैंट उधर फेंक, शर्ट उधर फेंक, इसमें क्या टाइम लगता है? वो टाइम जो है वो आगे नेक्स्ट डे पता चलता है, समझ रहे हो? नेक्स्ट डे पता चलता है उस बच्चे को कि भाई मेरे को अपने जूते ढूंढने पड़ रहे हैं, मेरी टाई किधर है, मेरी बेल्ट किधर है, पैंट शर्ट किधर है, वो चीज। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जब आप कायदे से पूरा पेपर करते जाएंगे तो आप जब रिवाइज भी करेंगे ना तो आपको आसानी होगी, फटाफट रिवाइज कर लोगे। नहीं तो जो बच्चा एकदम पूरी गंद मचाता चला जाता है ना पेपर में, उसको अपना पेपर खुद देखने का मन नहीं करता तो टीचर तो और चिढ़ जाता है उसका गंदा पेपर देखता है। तो आप लोगों को छोटी छोटी इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अपना पेपर थोड़ा साफ सुथरा रखना है। किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं भी है तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि यार काटा पिटी ना हो। पता चला कि अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस क्यों करके दिखाता हूँ? मैं भी तो बता सकता हूँ इसमें ऐसे कर लो, इसमें ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। वो मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ? क्योंकि इधर मैं करूंगा उधर आप भी कॉपी करोगे उस चीज को। तो जब इंसान किसी चीज की कॉपी करने लगता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। तो ये चीज इसलिए करवाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप क्यों बताया जाता है? मैं भी तो इस बोर्ड पे गंद मचा सकता हूँ, मैंने एक सेक्शन दूसरा सेक्शन तीसरा सेक्शन क्यों बना रखा है? इसी वजह से तो बना रखा है कि आपको भी यही आदत पड़ेगी। मैं यहाँ लिखने के बाद यहाँ क्यों लिखता हूँ? वो इसीलिए लिखता हूँ कि मैं आपका आराम देख रहा हूँ कि पहले यहाँ लिखूंगा फिर यहाँ लिखूंगा तो अच्छे से दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ लिखने के बाद इधर लिखना मैंने शुरू कर दिया तो जब मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ अड़ जाऊंगा, तो ये वाली जगह आप देख नहीं पाओगे। तो इस तरीके से ये मैं आपका कंफर्ट देख रहा हूँ। तो जब आप साइकोलॉजिकली बात को समझना, मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आप पेपर करो तो आपको एग्जामिनर का कंफर्ट देखना है कि एग्जामिनर को क्या देखने में आराम मिलेगा, एग्जामिनर को क्या देखने में फटाफट मेरी कॉपी चेक हो जाएगी। तो कई छोटी छोटी जो बच्चे ने अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट कर रखा है तो कई छोटी छोटी गलतियां भी टीचर जो है वो उसकी इग्नोर कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे की कॉपी देखकर तबीयत खुश हो गई, बच्चे ने बहुत सफाई से बहुत अच्छे से काम करा है। ठीक है ना भाई, आप बच्चे ही तो हैं, हो जाती है मिस्टेक। कई बार लिखा है 5/3 आपने लिख दिया उसको 2.5, हो गई गलती छोटी सी, लेकिन टीचर ने देखा भाई एक 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 स्टेप बच्चे ने ठीक कर रखा है तो वो आपको नंबर दे देगा, काटेगा नहीं। कोई भी टीचर कितने भी गंदे मूड में बैठा हुआ हो आपको अपना पेपर इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उसका मूड ठीक हो जाए, समझ रहे हो? नहीं तो वो सारा गुस्सा वही निकाल देगा शीट पर। तो ये होता है, ये होता है, सीधी सीधी बात है। कहीं पर भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रखा है, अब जाकर तुमने कहा कि अच्छा इसने तो तुझे ये बोल दिया, इसने तुझे, आपने तो लड़ाई बढ़ा दी वहां पर। अगर आप वहीं पर जाकर कायदे से उसे समझाओगे भाई इसने तेरे को गाली दे दी है, ठीक है भाई तू भी इसे गाली दे दे, गाली देने से कौन सा तेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, कौन सा तेरा कुछ नुकसान, गाली दे दी बात बराबर, हाथ मिलाओ चलो आगे। तो कुल मिलाकर आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब यह है कि आप कॉपी जो आपकी होगी आंसर शीट उसमें रायता मत फैला देना, वो रायता फैलाना ही बोलते हो ना, उसमें रायता मत फैला देना, उसको ठीक से ऐसा करना कि हाँ एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत कर, समझ गए? तो इसलिए हाँ जी बताइए सर, जो साइंस में जैसे हमारे 3 पार्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो वो टीचर अलग अलग चेक करती है पार्ट्स एक आंसर शीट बोर्ड की, या फिर एक ही टीचर तीनों पार्ट्स चेक कर देती है? मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं होता कि जो साइंस के टीचर्स है ना, साइंस के टीचर्स मोस्टली जो ये अप्रोच करते हैं ना, सीबीएसई वाले जो अप्रोच करते हैं जिनसे कॉपी चेक कराते हैं, वो वही होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाते हैं टीचर, ठीक है ना। ये 2 कैटेगरीज होती हैं टीचर की, एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी होते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं पीजीटी। तो जो पीजीटी टीचर्स होते हैं वो फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग होता है, लेकिन 10th तक होते हैं टीजीटी। टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग नहीं होता, साइंस का टीचर होता है,
ठीक है ना, तो वो साइंस का एक ही पंद्रह चेक करेगा। हाँ इतना जरूर हो जाता है कि जब आप रीचेकिंग के लिए कॉपी डालते हैं और रीचेकिंग में जब आप ये कहते हैं कि नहीं भाई मेरे को मतलब जो है अलग अलग फिजिक्स के अलग केमिस्ट्री के अलग और बायो के अलग अलग मार्क्स चाहिए, तो वो मार्क्स डिस्प्ले करने से पहले जब रीचेकिंग होती है तो फिजिक्स की अलग केमिस्ट्री के अलग और बायो की अलग करते हैं टीचर्स तब होती है। लेकिन वैसे तो साइंस का एक ही टीचर चेक करता है, जब फर्स्ट टाइम चेक होती है तो एक ही टीचर करता है। समझ गए? Yes, sir. हाँ तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाता हूँ तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी कुछ भी छोड़ देना, डायग्राम बनाना मत छोड़ना साइंस में, जो भी डायग्राम आपको आता हो। अब इधर है सन, और समझने के लिए अब ये मत समझ लेना कि सन इतना छोटा है और रेन ड्रॉप इतनी बड़ी है ना, समझने के लिए रेन ड्रॉप को थोड़ा बड़ा बनाया। ये रेन ड्रॉप है, अब यहां से लाइट लाइट आती है, ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर मतलब हम कड़े हुए देखेंगे उसको रेनबो को। तो ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एट रेज यानी कि 7 बैंड्स में स्प्लिट हो गई। अब क्या होता है कि ये जो रेनड्रॉप है, ये रेनड्रॉप इतनी छोटी होती है रेनड्रॉप कि इसके अंदर से आप ये समझें कि वो आर पार निकल जाए या फिर रिफ्लेक्शन हो जाए। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक टाइम पर ही अकर करते हैं, एक टाइम पर ही दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये यहां पर इस सरफेस से टकरा कर ऐसे 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 ही दिखाई देगा, ठीक है। आई मैं थोड़ा नीचे बना लू, ऑब्जर्वर्स आई इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप ये देख लेना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस डायग्राम में आपको एक मिनट से भी ज्यादा का टाइम लगेगा नहीं, एक मिनट से भी कम में आप फटाफट बना देंगे इस डायग्राम को। मैं ये नहीं कहता कि आपको कंपास लेकर बिल्कुल इसको स्फेरिकल बनाना है, रेनड्रॉप को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा चलेगा, पर बना दीजिएगा इसको, और ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आप बना लेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पर इस पॉइंट को बोल देना ए, इस पॉइंट को बोल देना बी, इस पॉइंट को बोल देना सी, इस पॉइंट को बोल देना डी। यहां पर इस सरफेस से जहां से निकल रही है तो पॉइंट बी पर हो रहा है बेटा रिफ्रैक्शन, यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन। इसके अंदर जो लाइट रेज हैं ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो रही है, इसको बोलेंगे डिस्पर्शन, इसको बोलेंगे डिस्पर्शन। और जो ये यहां पर रिफ्लेक्ट बैक होकर रिफ्रैक्ट होकर जो रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर आ रही है इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पूरा प्रोसेस है रेनबो का।
इसको हम कहेंगे फिगर को फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बताइए जी सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ जी बना दीजिए इसको डायग्राम को। हाँ भेजूंगा।